हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जैन राशि। आज नागपंचमी है, आप सबको नागपंचमी की बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आज तो मैं आपको सच बोलूँ ना, बहुत खुश हूँ। आज मांढर की काड़ू देवी, कहते हैं ना, नागिन के रूप में सबको दर्शन देती हैं। आज तो वो भले दुश्मनों को दर्शन देंगे, लेकिन आज माँ बहुत अच्छा श्रृंगार करेंगे। उनका 12 बजे तक अभिषेक होता है, उसके बाद उनका श्रृंगार होगा, नींबू का हार चढ़ेगा। जैसे कि हर मंगलवार के जैसे आज मैं बहुत दिनों बाद जा रही हूँ मंदिर में, माँ को नींबू का हार चढ़ाऊँगी, वहीं पे शिव जी का पूजा करूँगी नागपंचमी के दिन। और मैंने कल ही कहा था कि नागपंचमी में शिव जी पे दूध चढ़ाना चाहिए, अच्छी बात है। जैसे आपको करना है तो चढ़ाइए, लेकिन एक साफ़ सुथरे बर्तन में भगवान का अभिषेक करके वो दूध को किसी कुत्ते को या किसी जानवर को पिला दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। प्लस देखिए, मैं आप लोगों का तो नहीं जानती, लेकिन मैं ये करने वाली हूँ कि मैं आज नागपंचमी के दिन, बहुत सारे जन मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नागपंचमी का दिन बहुत बड़ा होता है। नागपंचमी मतलब नागों की देवी, मतलब भोलेनाथ की बेटी, आपने सुना होगा, मनसा देवी की पूजा होती है। आज कहते हैं आज मनसा देवी से जो भी वर मांगो तो मिलता है। तो आज नागपंचमी के दिन, हे मनसा देवी, मैं आपसे एक ही विनती करती हूँ कि मेरे गोद में मेरा ये लाल दे दो, बस और कुछ नहीं। दुनिया जो बोल रही है उसे आप वो कर दो। और कहते हैं मनसा देवी की, क्योंकि कहते हैं एक बार एक राजा ने किसी ने भोले जी का पूजा करा था, लेकिन माँ मनसा देवी का अपमान किया था। उसके अपमान की वजह से माँ ने उसको रोड का भिखारी बना दिया था। इसलिए आज के दिन नागपंचमी के दिन आप कोई मजाक मत उड़ाओ। बहुत सारे मजाक उड़ाते कह रहे चलो आज नागपंचमी ना, उस नाग को दूध पिलाते, कोई भी दुश्मन को नाग का रूप देते थे। ऐसे नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, महाकाल के रूप है। आज मनसा देवी की पूजा होती है, आज उनसे जो भी आप मांगेंगे ज़रूर मिलता है। तो मैं तो भाई देखिए, मैं हर साल, हमेशा मेरी आदत थी कि कहीं गुप्त जगह दूध रख देती थी, लेकिन आज मैंने कुछ अलग सोचा है। जब मैं लोगों को राय देती तो खुद क्यों नहीं, मैंने आज सोचा है कि आज मैं शाम को अपने हाथ से, क्योंकि कामाख्या से मुझे बहुत सारा प्रसाद मिला है, काजू बादाम, क्योंकि वहाँ का प्रसाद वही होता है, काजू बादाम और मिश्री, वो सब होता है, किशमिश। मैंने बोला वो तो मेरे ग्रुप तक पहुँचेगा नहीं, वो ख़राब नहीं हो जाए, तो अभी मैं क्या करूँगी, काजू बादाम सब प्रसाद मिक्स करके एक कम से कम जितनी मेरी यथाशक्ति 10 लीटर दूध तक का मैं खीर बनाऊंगी चावल की, क्योंकि कहते हैं ना माँ मनसा देवी को चावल की खीर बहुत पसंद है। कहते हैं ना, नाग देवता को अगर खीर पूड़ी का भोग लगा तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैंने सोचा है कि आज मैं अपने हाथों से खीर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसे भी खाना बनाने का बड़ा शौक है। मैं आज अपने हाथों से खीर बनाऊंगी 10 किलो का, 10 किलो दूध का। अब 10 लीटर दूध में नेचुरली बात है कि बड़ा टोप भर के दूध में खीर बनेगा, मतलब ये तो होगा कि 50-60 जन खा सकते हैं, लेकिन वो खीर बना के मैं अपने बच्चों को भेजूंगी। प्रदु के साथ गाड़ी है, वो जाके सारे बच्चों को, जो भी गरीब बच्चे हैं ना रोड पे, हर जगह तो सबको मिल जाता है, लेकिन उन्हें कोई देने वाला नहीं है, तो उन्हें जाके गरम गरम खीर जाके मेरे बच्चे खिला के आएंगे। मेरे लिए मेरी माँ मनसा देवी को नागपंचमी के दिन इससे अच्छी पूजा तो मेरे लिए कभी दिखी नहीं है। उसके बाद आज मांढर की काड़ू देवी का बहुत बड़ा श्रृंगार होगा, माहूरगढ़ में बहुत बड़ा श्रृंगार होगा, धावजी पाटिल में बहुत बड़ा श्रृंगार होगा, सब जगह आज नागपंचमी के हिसाब से बहुत बहुत श्रृंगार होगा। और आप सच बोलूँ मैं, अब तो कामाख्या में भी, जब मैं पहले कामाख्या में दीक्षित पंडित थी तो वहाँ बैठ नहीं पाई थी ना, सिर्फ दीक्षा लेके चली आई थी। इस बार उन्होंने मेरे मंत्र की, गुरु मंत्र की सिद्धि करवाई है। गुरु मंत्र की सिद्धि होना अपने आप में बहुत बहुत बड़ी बात होती है, और गुरु के सानिध्य में, मतलब हम सिर्फ दीक्षा लेके आ जाते हैं, वहाँ शक्ति सिद्धि ली है मैंने। मुझे बहुत सारे जन कहते हैं कि माँ आप सिखाना चाहती, लेकिन आप बोलती कोई बड़ी शक्ति लो, अगर किसी गरीब के पास शक्ति नहीं है तो क्या करेगा। देखिए मैं बोलती हूँ, लगता है 1,00,000, 1.5 लाख लगता है, अगर आपके पास किसी के पास नहीं है तो एटलीस्ट 11,000 दे के सीखना शुरू कीजिए, कुछ तो देना पड़ेगा ना कि हम भी आपको सिखाना शुरू करें। बहुत जा बोलते माँ कुछ तो रास्ता दिखाइए, आपके अब किसी पास 50,000 नहीं है, 1,00,000 नहीं है, तो कैसे सीखना चालू करेगा। हाँ हम ये कह सकते कि हर महीने हम आपको 11,000 दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप 11,000 रुपये दे के सीखिए, मुझसे जितना होगा मैं सिखाऊंगी। जब आपको लगेगा कि हाँ ये 11,000 देने से माने इतना सीखा और ये काम कर रहा है, तो आप, मुझे पता है उस चीज़ों से, जब वो 11,000 से आप जब 4 चीज़ सीखोगे और 4 लोगों की मदद करो, 11,000 का 11 लाख तो 11 लाख रुपये तो आपको आ चुका होगा 1-1.5 महीने में, ये वादा है। तो वैसे सीखिए, इससे ज़्यादा विद्या देवी क्या कर सकती है। हाँ ये है, मेरे पास जो ज्ञान है मैं बांट सकती हूँ, मैं सिखा सकती हूँ, मेरे लिए बस ये करना है। आपको यूट्यूब व्हाट्सअप के ज़रिए जुड़ना पड़ेगा, उसमें जिसमें मैं रोज़ आपको एक एक काम दूंगी और वो काम से आपको सिद्धि प्राप्त होगी, फिर आप मुझे दीजिए धीरे धीरे जैसे करना है, इससे ज़्यादा सहूलियत तो मैं नहीं दे सकती। दूसरी बात ये आज ये है। उसके बाद कामाख्या में भी मेरे गुरुजी ने कहा है कि अब हर महीने तुम यहाँ पे अब 3 महीने बाद वापस आओगे अपने बच्चे के साथ, और
मतलब बच्चे के साथ मैं समझ गई हूँ ना कि उनका कहने मतलब कि बच्चा हो चुका रहेगा, थोड़ा बड़ा हो चुका रहेगा, 3 महीने बाद तुम यहाँ पे फिर आओगे पैर पड़ने बात का, और तुम यहाँ आके इस बार 10 महाविद्या की सिद्धि में तुम्हें करा के देंगे, जो कि 10 महाविद्या सिद्धि है, लेकिन उन्होंने कहा है वैसे नहीं जैसे माँ कामाख्या के मंदिर में बैठ के तुमने पूजा की, वैसे 10 महाविद्याओं के मंदिर में बैठ के मैं तुम्हारा बकायदा सब जगह पूजा करवा के सिद्धि करवा के दूंगा, एक अलग से पूजा करवाऊंगा, उसके लिए तुम आराम से टाइम निकाल के आना। और उन्होंने कहा है जब तक तुम नहीं आओगी ना तब तक हर महीने तुम्हारे लिए डेली यहाँ पूजा पाठ चालू रहेगा, डेली माँ को फूल अर्पण होगा अंदर। एक वक्त ऐसा आएगा कि सिर्फ कामाख्या के दीक्षित पंडित नहीं कहेंगे लोग, कामाख्या की बेटी कहेंगे, बोलेंगे कामाख्या की बेटी आ रही है। एक वक्त ऐसा आएगा कि तुमको सब वहीं के नाम से पहचानेंगे, तुम्हारा बहुत नाम वो होगा, ऐसी बात है। तो ये कामाख्या का है, प्लस कामाख्या का जो ये कहते हैं ना तावीज़, जो भी मैंने ग्रुप वालों को लाया सबको बता देती हूँ कि मैं एक बात बताना भूल गई थी कि ये ज़बरदस्त वशीकरण। अभी कितने लोग मुझे क्या कहते हैं हमें वशीकरण करवाना है, वशीकरण करवाओ ना। अभी अगर अभी को विस्की वशीकरण दिया चलो वहाँ से होता है, लेकिन कामाख्या सम्मोहन वशीकरण एक ऐसा वशीकरण है जिसके बारे में बार बार बोल के जरूरत नहीं है। हम जो तावीज़ देते हैं, अभी जो भी तावीज़ जिसके घर पे जाने वाला है, ऑलरेडी मैंने अपने कल ग्रुप वालों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है, सारी मेहनत उनके पास ये तावीज़ पहुँचने वाला है मंडे तक। तो मैंने उन्हें कहा है कि ये तावीज़ जब पहनेंगे तो 24 घंटे के लिए बुखार होगा, थोड़ा ये बात बता देते हो 24 घंटे के लिए बुखार होगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी अंदर की खींचेगा, उसके बाद आपके अंदर आकर्षण शक्ति डालेगा। ये प्रूफ हुआ है क्योंकि कल मैंने अपनी बेटी को भी पहनाया, तो मेरी बेटी को आज थोड़ा सा बुखार है, तो मुझे लगा क्यों हुआ, फिर मुझे बाद में याद आया कि अरे जब तावीज़ ली बनवाया था मैंने तभी कहा गया था कि तावीज़ पहनने के बाद बुखार होगा, हमने भी पहना था हमारी भी तबीयत थोड़ी देर के लिए ख़राब होती, ये ऐसी बात है, क्योंकि अंदर के नेगेटिव निकाल के अंदर एक आपके अंदर एक पावर डालेगा, जिसके अंदर आपके अंदर एक ज़बरदस्त आकर्षण शक्ति आएगी, एक ज़बरदस्त दिमाग और ज्ञान आएगा। ये तावीज़ सिर्फ वशीकरण के लिए काम नहीं आती, ये तावीज़ मान प्रतिष्ठा, राजपद में अगर आपको आगे बढ़ना है, नौकरी धंधे में, व्यवसाय में आगे बढ़ना है, अगर आपका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है व्यवसाय में आगे बढ़ना है, ये पहनने से आपके घर में रुका हुआ धन आता है, कर्जे ख़त्म होते हैं, ये सब होता है। फिर एक और ऑप्शन दूंगी, देखिए अभी मैं मेरे ग्रुप वालों का सबका काम हो चुका, अब उन लोगों को घर मिलने वाला है, तो मैं ये भी बोलूँगी अगर जिनके जिन्होंने आज तक भाड़े पर रहते हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें भी एक घर मिलना चाहिए, तो मैं उन्हें क्लियर बोलूँगी कि वो भी कोई सुल्तान जिनकी शक्ति ले, करिश्मा परी की शक्ति ले, गारंटी है कि उन्हें भी महीने भर के अंदर उन्हें भी उनकी यथाशक्ति जो होगा 25-30-35 लाख तक का घर उन्हें खरीद के दिया जाएगा, उस तरह का उन्हें पैसा दिया जाएगा। ये बात मेरे ग्रुप में भी है, देख लीजिएगा आप, ये मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो करवाएंगे वही तब काम होता है। तो जिन्हें लगता है कि हमारा घर नहीं है, या जिन्हें लगता है कि उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि 1-1.5 लाख खर्चा करके अगर आपको 2500-3000 लाख का फ़ायदा होता है तो ज़रूर उठाइए इस फायदे को, इस फायदे को पीछे मत हटिए, और ये 100% होना है, हम किसी के भावनाओं के साथ नहीं खेल रहे, ये बातें ये याद रखिए, हम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। मेरे ग्रुप में इतने जने कभी किसी को मैंने गलत बात नहीं की, जिसने गलत बात की वही भोगा है, बाकी जिसने मुझ पर भरोसा किया उसका भरोसा कभी नहीं टूटा। हाँ, ग्रुप में कुछ लोग हैं जो कभी कभी नाटक करते हैं, उनका इलाज भी मैंने किया, देखो मैं कुछ नहीं करूँगी, आज माँ मनसा देवी हैं, ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मुझे पागल में गिनती करते हो करते, वो माँ कामाख्या देखेंगे, मुझे कुछ नहीं करना है, अब जो करना है माँ कामाख्या देखेंगे, क्योंकि मैं अपना काम बखूबी और अच्छे से करते आ रही हूँ। मेरे ग्रुप में कुछ लोग हैं जो मेरे साथ रह के पूजे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, मेरे से ही सीखते हैं और बाद में मुझसे ही करते हैं, मैंने आज ही उनकी शक्तियों को रोक दिया, अगर उन मैंने कहा है कि अगर वो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अगर इस चीज़ की शक्ति का प्रयोग मुझ पर ही आजमाने को देख रहे हैं कि माँ को वश में करो या माँ हमारे भरोसे रहे, माँ हमको पैसे भेजो, तो एक बात तो पक्की है, ना तुम्हारे पास पैसे पहुँचेंगे और ना तुम्हारी शक्तियाँ काम करेगी, कुछ भी नहीं, जो तुम्हें थोड़ा बहुत दिखता भी होगा सब की सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, कुछ नहीं दिखेगा और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बात है, क्योंकि मैंने अपनी कमज़ोरी हटा दी है, ऐसी बात है। फिर दूसरी बात है, थोड़ा सा दुख हो रहा है क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी पूजा शुरू करूँगी, देखो हाँ जैसे होली का दिन आता है और ये दिवाली का दिन आता है, तो मैंने कहा है बहुत सारे लोगों को गोडाउन ट्रांसफ़र का काम होता है, पैसे हाजिर करने का काम होता है, तो मैं बोल रही हूँ अगर अभी से भी ये चीज़ चालू कराते हैं तो जन्माष्टमी के दिन ये चीज़ हो सकती है, एक दिवाली की रात को होता है, एक होली की रात को होता है, जन्माष्टमी की रात को भी ये काम होगा। तो अगर जिसे भी लगता है कि हमें कुछ ऐसा बड़ा काम करना है या कोई बड़ी शक्ति हासिल करनी है, कोई चीज़ हमें चाहिए, कोई चीज़ पाना है, तो अगर अभी से वो सुल्तान जिन की करिश्मा परी के हाजी मस्तान की शक्ति लेते हैं, चाहे गोडाउन ट्रांसफ़र का कुछ भी, तो अगर वो काम भी आपका उस दिन होगा, मतलब उस दिन तक मिलेगा नहीं, शक्ति आपको 72 घंटे में मिल जाएगी। अगर मैं कुछ काम बताऊँगी, जो काम इस
क्या बोलते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो रात को 12 बजे काम आपका ज़रूर होगा। जब जन्म होता है भगवान का उस दिन आपका काम होगा। आप चाहे पैसा खींच सकते हो चाहे कुछ भी, उसके लिए आपको ये तावीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, काली हल्दी की ज़रूरत पड़ेगी और ये सब, ये बहुत बहुत ज़रूरी है ऐसा। उसके बाद एक और बात आती है, मैं आज थोड़ा लंबा बात कर रही हूँ। उसके बाद एक और बात आती है कि ये हो गई काम की बातें। अभी ये बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि काम की बात पहले होनी चाहिए। तो अभी ये बात हो गई, ये सब काम की बात। अभी जिसको भी अगर ये सब करना है करवाना है अभी से करिए, पीछे मत हटिए, क्योंकि विद्या देवी अपने काम के हिसाब से कभी सबका भला ही चाहती है। और दूसरी बात, जो लोग मुझे इग्नोर करते हैं, बातों को करते हैं ना, उनकी भी बैंड बहुत जल्दी बजने वाली है। मैं जो काम करके आई हूँ, मुझे पता है कि हम लोग ने जो बलि पूजन इतनी पूजा की है, एक दो पूजा नहीं किए, 7-8 पूजा किए वहाँ पे, उस पूजे का फल जो होने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है। तो अब देखिए क्या होता है, ये बातें तो मैं दूसरी वीडियो में बताती हूँ कि और क्या है। ये वीडियो बस काम के लिए थी, नागपंचमी के लिए। आप इन सबको फॉलो कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। और दूसरी और एक और बात, बहुत सारी औरतें पूछती है, मतलब कल भी मुझे किसी मीरा रोड से लेडीज़ का फ़ोन आया था, वो बोलती है कि मैं विधवा हूँ, मेरे पीछे जिन जिन आते हैं, मैं पूजा, मेरे को माँ दिखती नहीं। पहली बात, सबसे बड़ी बात, अगर भगवान ने आपका सुहाग छीन लिया है तो आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा, माँ की ताकत मिलेगी, लेकिन माँ आप पे सवारी नहीं लेंगी और आपको माँ की पूजा करने का पूरा हक है, ऐसी बात नहीं। लेकिन माँ अगर आपकी बांध दी गई है तो उसको खुलवाना पड़ता है, और वो खुलवाने का कोई पावरफुल पंडित ही खोल सकता है। लेकिन अगर भगवान ने आपका सुहाग छीन लिया है तो आप एक काम कीजिए, जो आपकी पूरी तरह से आपकी इष्ट बन के रहे, आप धूमावती माँ को इष्ट बनाइए। क्योंकि धूमावती माँ की पूजा एक सुहागन औरतें नहीं करते, वो विधवा नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि 10 महाविधवा में धूमावती माँ का एक ऐसा था कि उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी। एक बार इतनी तेज़ भूख लगी थी कि उन्होंने शिव जी को ही खा लिया था, इसलिए उन्हें वो रूप दिया गया है, इसलिए उन्हें सफ़ेद या ग्रे साड़ी चढ़ती है। तो ये पूजा या तो विधवा कर सकती है, उनका जाप कर सकते हैं, या तो कोई पंडित कर सकता है, सुहागने नहीं करती हैं ऐसा। तो अगर और लेकिन धूमावती माँ की पूजा बहुत अच्छी, कहते हैं जो धूमावती माँ को सिद्ध कर लेता है वो भी बहुत बड़ा, मतलब एक पावर मिलता है। मैं खुद सुहागन होकर भी धूमावती की माँ की पूजा करती हूँ, लेकिन सुहागन ना हो और माँ को ओटी मत भरो, ये गलती मैंने की है। स्नेहा के साथ में गई थी, वो हर जगह जाती थी, उसको पता था, लेकिन तो भी कैसा, उसकी भी गलती नहीं थी। दुनिया में आदमी कुछ देखा नहीं करा नहीं तो वो सोच रही थी कि उसको कैसा, कहते ना एक बच्चा अपने माँ को प्यार करने के लिए ये नहीं सोचता है, लेकिन जो नियम है नियम है, हमें इसी समाज में रहना है, इसी समाज में रह के इसी समाज के कायदे कानून में चलना है। तो उस बिचारी को भी हमने बोला कि ओटी मत भरो, क्योंकि हम हर जगह वो ओटी भर देती थी। बाद में कामाख्या में गए तो काम रुकने लगा, तो पंडित जी ने कहा, इसको पूछा तो पंडित जी ने कहा, क्योंकि वहाँ देखो हर पूजे में वो पीछे बैठी है, तो पंडित जी ने कहा कि अगर एक औरत को सुहाग नहीं है, माथे पे कुंकू होना बहुत ज़रूरी है, अगर माथे पे कुंकू नहीं है तो वो औरत पूजे पाठ में कहीं भी कोई भी शुभ कार्य में नहीं बैठ सकती। ये विधि का विधान है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम लोग कोई ज़बरदस्ती उन्हें बिठाता करता है तो पूजे का पूरा पूरा, कहते ना आधा पाप पुण्य की जगह हमें पाप मिलता है। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, बाद में मैंने उसे रिक्वेस्ट की बेटा मत छू, तो फिर उसने बोला नहीं माँ मैं पीछे ही रहती हूँ। उसको पंडित जी ने कहा तुम अंदर जाती हो माँ के यहाँ पैर पड़ो, लेकिन माँ का कुंकू मत लगाओ, सिंदूर मत लगाओ। लोग तो भी पंडित जी लोग लगा दे रहे थे, ऐसी बात है। तो हमने उन्हें ये भी, मैंने उसे ये भी रास्ता बताया कि भाई देख तेरा सुहाग चला गया है, तू एक काम कर सकती है भाई, अगर पूजे पाठ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें कहीं ना किसी से शादी तो करनी पड़ेगी। तब वो देख रही है क्या करना है, क्योंकि वो शादी करेगी तभी वो किसी आगे मेरे मंदिर में मेरे साथ जा सकती है, नहीं तो स्ट्रिक्टली पंडित जी लोगों ने ना बोल दिया है कि आप इतने लोगों का पूजा पाठ लेके आती हैं तो आप ऐसी गलती मत कीजिए। आप माथे पे कुंकू लगा के, माथे पे चमकता हुआ कुंकू लगा के साक्षात माँ दुर्गा के जैसे, माँ काली के जैसे ऊपर आती है, वो भी बेचारी बहुत अच्छी पूजे पाठ में अच्छी, लेकिन कुछ भी है भगवान ने उसका नसीब उस मामले में ख़राब किया है। तो उसे बोलिए कि पहले माथे पे कुंकू लगाए तभी तो आपके साथ आए, नहीं तो बिल्कुल भी आपके साथ वो कहीं पे भी यात्रा पे ना आए। क्योंकि जहाँ पे आप 100% काम करने आ रही वहाँ पे 50% काम होगा, 50% काम इसकी वजह से कट हो जाएगा क्योंकि माँ रुष्ट हो जाती है। कोई भी सुहागन औरत कोई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई ऐसी औरत उसके माथे पे कुंकू लगाए, ये बात है। इसके लिए बुरा नहीं माने, जो बातें सच है, ये मेरी स्नेहा को बिल्कुल बुरा नहीं लगता क्योंकि वो जानते हो खुद बोलती माँ सच है। इसलिए हमने उसे कहा है कि तू अपने माथे पे कुंकू लगा, माँ तुझे ये नहीं कह रही कि तू मुझे टच मत कर, माँ ये कह रही है कि किसी से, अभी तेरी उम्र अच्छी है, कोई उम्र भी बीत नहीं गई है, शादी कर, तुझे भी जीवन जीने का था। क्योंकि पूजा पाठ में सांसारिक जीवन जीते हुए इंसान ही उनकी पूजा कर सकता है, बाकी ऐसा कोई सोचे कि ऐसे बोलो नहीं कर सकते, माँ को चलेगा ही नहीं।
क्योंकि माँ भी एक परिवार वाली है, उन्हें भी शिव जी हैं, उनका परिवार है ना, कार्तिकेय हैं, गणेश जी हैं, वो भी अपने परिवार को लेके चलते हैं। हम औरतें हर सुबह उठ के माथे पे कुंकू क्यों लगाते हैं? ये हमारी पहचान है कि हम सदा सुहागन हैं। ये कुंकू मेरे प्रभु की रक्षा कवच है। जब तक ये माथे पे लाल लाल कुंकू चमक रहा है ना, तब तक मेरा प्रभु हमेशा तीनों लोकों में चारों जगह पे मान प्रतिष्ठा बहुत पाएगा, क्योंकि औरत के सांस सिगार से ही पति की लंबी आयु की रेखा होती है। औरत जितना सज संवर के रहती है ना, उतना उसके पति की लंबी आयु और हर जगह मान प्रतिष्ठा बढ़ता है। जिस जगह औरतें ये सब नहीं करती ना, उसके पति की आयु बहुत कम होती है और वो बहुत जल्द स्वर्गवासी हो जाता है। ये बुरा मत मानना जो मैं कह रही हूँ, लेकिन सच बात है। जो औरतें अपने पति का मान नहीं रखती हैं, जो माथे में कुंकू लगाने से शर्माती, जो माथे पे सिंदूर में लिपस्टिक का सिंदूर लगाती, उन्हें पाउडर का सिंदूर लगाने में शर्म आता है, आप देखिएगा उन औरत को, वो औरतें हमेशा हमेशा कभी सदा सुहागन नहीं मरती हैं। उनके साथ ऐसे ही होता है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं, या भगवान भी आशीर्वाद देते हैं, तथा अस्तु तुझे जैसा रहने वैसे रहे। ये बात है। इससे मैं सुबह उठते मान सबसे पहले माथे पे कुंकू लगाती हूँ, उसके बाद ही मैं कोई पूजा पाठ करती हूँ। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कुंकू लगाने में शर्माना नहीं चाहिए कि अरे बड़ा सा टीका दिख रहा है, ये दिख रहा है, क्या करना है, पति के सिवा कौन देखना है हमें। ये बात। तो बस, हमारी वीडियो पसंद आई बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलाम की जय निवासी।